राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा मंत्र आप लोग को देने जा रहा हूँ। यह मंत्र सभी के लिए है, युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए है। इस मंत्र का जाप करते हुए किसी भी खाने पीने की चीज़ को, आप कोई भी सामग्री हो, चाहे वो जल हो, पीने वाली चीज़ हो, पेप्सी हो, ठंडा हो, कोई गर्म हो, भोजन की सामग्री हो, दाल हो, साग हो, सब्जी हो, कोई भी खाने पीने की चीज अगर इस मंत्र को पढ़ करके किसी को भी आप दे देंगे और यदि वो खा लेता है तो वह आपके बस में हो जाएगा। मगर कभी भी वशीकरण मंत्रों का दुरुपयोग न करें। किसी की भलाई के लिए मंत्रों का प्रयोग करना उचित होता है, मगर किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को चीट करने के लिए इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। अगर आपके रिश्तों में अनबन हो रही है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, सास का, जेठानी का, देवरानी का, ननद का, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां आपको लगता है कि आपस में क्लेश हो रहा है, क्लाइसिस हो रहा है, रिश्तों में दूरियां हो रही हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग करके रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो या जाप कर रही हो तो इसके लिए सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण की भावना होना चाहिए। आपका मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। जिस समय मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय आपके दिमाग में अन्य कोई बातें नहीं चल रही हैं, सिर्फ मंत्र जाप चल रहा है या अपने इष्ट का स्मरण चल रहा है। भौतिक जगत की कोई भी बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो उसको फोर्सली स्टॉप करके बाहर कर दीजिए। मंत्र का जाप करने के लिए आसन का प्रयोग करना चाहिए और जो आसन होना चाहिए वह ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए। कंबल का प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं, ऊन से बनी आसनी का प्रयोग कर सकते हैं और माला स्वेच्छानुसार आप ले सकती हैं, रुद्राक्ष का माला हो तो भी चलेगा। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करें और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करें कि हे भगवान, मुझे इस कार्य में सफलता के लिए अपना आशीर्वाद और आदेश हमें प्रदान करें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें, उनसे भी मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ना आपको झुक के बैठना है, न तन के बैठना है। मैं जो यहाँ मंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, समझे, लिख करके उसको याद कर लें, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार से है, क्लम क्लीम रिम नमः। पुनः सुन लें, क्लम क्लीम रिम नमः, क्लम क्लीम रिम नमः। ग्रहण के समय इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 11 माला जप लें। एक माला में 108 होता है काउंटिंग, आपको पता होना चाहिए। इसको 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप करने से ही यह सिद्ध हो जाता है। इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। और यदि आप यह चाहते हैं कि इस मंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो प्रतिदिन आपको 100 माला 11 दिन और जाप कर लें। पहले जप संख्या को निश्चित कर लें और जब पूरा जाप हो जाए तो गूगल की 121 आहुति देकर हवन करें। और जब भी इसका प्रयोग में लाना हो तो अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए किसी भी खाने पीने की वस्तु पर पढ़ करके, फूंक मार करके जिस भी स्त्री पुरुष को आप खिला देंगे वह आपके बस में हो जाएगा या हो जाएगी। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं चल रही है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक समस्या या शारीरिक समस्याएं चल रही है जिससे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके
आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।